चेंज करता हूँ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में, तो देखिएगा कैसे चेंज करूंगा, बड़ा आसान है बच्चा। इन कोऑर्डिनेट को मैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। तो आप बताइएगा मुझे यहाँ, ये बताओ बच्चा ये क्या कैप, यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट प्लॉट होगा वो ऐसे प्लॉट होगा ना, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। मतलब अब देखना जरा, यहाँ पे अगर कैपिटल एक्स जीरो है, देखो कैपिटल एक्स जीरो है और कैपिटल वाई सिक्स है, तो स्मॉल एक्स क्या होगा इसका बताओ। जैसे ऐसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैसे लिख दो, चलो ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स और वाई और एक्स एन वाई, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ पेयर बना के। तो अगर मैं जीरो कॉमा सिक्स यहाँ लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, तो उसके बताओ। अगर यहाँ पे कैपिटल एक्स जीरो है तो स्मॉल एक्स क्या होगा, वन होगा, ठीक। यहाँ पे कैपिटल वाई इसके लिए सिक्स है, देखो कैपिटल वाई यहाँ पे सिक्स पुट करो तो वाई के लिए कितनी आएगी, कितनी आएगी बच्चा बताओ, एट आएगी, कोई डाउट है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मिलेगा हमें, अब ये वाला देखो सिक्स कॉमा जीरो, इसको भी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में चेंज कर लो। तो यहाँ पे बच्चा जब कैपिटल एक्स ही कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के कोऑर्डिनेट है, इसमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के कोऑर्डिनेट में चेंज करना है कैसे, ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे जरा सिक्स पुट करो, ये कितना आएगा, सेवन आ गया, और ये कितना आएगा, टू आ गया, ठीक। चलिए फिर इसमें ये कोऑर्डिनेट ले लो, जीरो कॉमा माइनस सिक्स, तो यहाँ जीरो पुट करोगे तो वन, और माइनस सिक्स पुट करोगे तो माइनस फोर, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचा, एक और बचा माइनस सिक्स कॉमा जीरो, तो माइनस सिक्स पुट करोगे बच्चा तो क्या आएगा, माइनस फाइव, और आपका यहाँ जीरो पुट करोगे तो आपका आएगा टू, ठीक है, ये आया। अब देखिए इसका जीरो कॉमा जीरो भी पुट कर लो, यहाँ जीरो कॉमा जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वन कॉमा टू आएगा, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, इसमें प्लॉट कर लेना और बना लेना, जैसा ये बना वैसा ही यहाँ बना लेना। तो देखो जरा वन कॉमा एट, तो वन कॉमा एट आप देखो कैसे इधर वन जाएगा और ऊपर कहीं बहुत बड़ा था 1.8 यहाँ आएगा। फिर क्या आपके पास 7.2, तो 7 यहाँ आगे कहीं जाएगा, 2 थोड़ी हाइट पे आएगा, तो 7.2 आएगा, ठीक है। फिर आपका कह रहा है 1.-4, तो 1.-4 यहाँ इसके जस्ट नीचे आएगा थोड़ा, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा जरा यहाँ बताइए, 1.-5.2, तो -5 इधर कहीं आएगा और -2 मतलब यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है बच्चा। चलो अब इनको आपको क्या करना, देखो इनको आपको मिला देना है, तो मिला दो जरा सबको, ठीक है। अब देखो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे, 0.0, और 0.0 का क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, 1.2, तो ये आपको मिल गया। तो बताइए कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है इसके ग्राफ में, बताओ भाई क्या हो क्या हो, फिर से, अच्छा फिर से बता दें, ठीक है ठीक है, देखो अच्छा ठीक है, देखो जैसे मैं ये बोल रहा हूँ बच्चा, देखो x माइनस वन था, y माइनस टू था, इसका मैं बनाना था, हमने इसको क्या कहा, यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं थोड़ा वो जितना बताऊंगा उससे हो जाएगा, ठीक है। x माइनस वन को मैंने कैपिटल x मान लिया और y माइनस टू को मैंने कैपिटल y मान लिया, अपनी तरफ से किया चीज को, हम लेट x माइनस वन कैपिटल x और y माइनस टू कैपिटल y, तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल x प्लस कैपिटल y इक्वल्स टू सिक्स आ गया। लास्ट टाइम आपने इसका ग्राफ बनाया था, लास्ट टाइम आपने इसका ग्राफ बनाया था, अंतर क्या था, वहां पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई था, यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हमने ग्राफ का स्ट्रक्चर वही बनाया, बस यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिख दिया है। रीजन क्या है, जब यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई होता था तो ये एक्स स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का होता था, जब यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होगा, और ये मैंने पुराना वाला ग्राफ यहाँ पे बना दिया, अंतर बस ये है, यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, ठीक। अब हमारा ये था ना कि हमको जो भी क्वेश्चन ड्रॉ करना है बच्चा, उसको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में ड्रॉ करना था, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के एक्सिस में नहीं ड्रॉ करना था, तो मैंने यहाँ पे देखो एक एक्सिस ड्रॉ किया स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में, और हम क्या करेंगे, इन चारों कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर लेंगे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में। तो देखना चेंज करने का क्या फॉर्मूला, तो यहाँ पे है देखो स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में रिलेशन है, स्मॉल और कैपिटल वाले में रिलेशन है, तो जब देखो जरा 0.6 मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ भी लिखे हैं, जब यहाँ पे देखो जो भी आपको पेयर मिलेगा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मिलेगा, तो 0.6 यहाँ पे है, यहाँ पुट करो बच्चा, तो एक्स के लिए देखो क्या आएगी, 1 आई, और यहाँ पे 6 पुट करो जरा देखो, यहाँ पे वाई वाले वाई के लिए क्या आ गई, 8 आ गए। इसी तरह मैंने सारे कोऑर्डिनेट ये 1, 2, 3, 4 और ये ओरिजिन वाला भी सब पुट करके निकाल लिया, सारा प्लॉट किया, मिला दिया, ठीक है। तो इससे देखो होगा क्या ना, हाँ हाँ बताइए, ठीक है। अब इससे क्या होगा बच्चा, आपका बस कुछ बहुत ज्यादा बदला नहीं है, जैसे क्या हुआ, ये इसको शिफ्ट हो गया, ये डायग्राम
थोड़ा देर पहले यहाँ पे था, देखिए जरा, जब कल की क्लास मैंने पढ़ाया था वो यहाँ पे था, ये शिफ्ट होकर यहाँ चला गया। मतलब मैंने बोला था एरिया अभी भी सेम है, आप निकाल के देख लो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे निकाले चाहे यहाँ पे निकाले, बात एक ही है, यही डायग्राम थोड़ा बस शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो अगर मान लो एग्जाम में केवल एरिया पूछा होता तो आप इसी का निकाल के छोड़ दिए होते, ठीक है। तो अभी बताओ कोई डाउट है? बाकी अगर इससे रिलेटेड आगे कुछ पूछेगा तो आपको ये वाला बनाना पड़ेगा। सर डाउट है किसी को? हाँ बताइए सर, एक बार फोर्थ वाला भी बता दीजिए। फोर्थ वाला कौन सा? फोर पावर एक्स वाला जो है। फोर पावर एक्स वाला, अच्छा क्वेश्चन, आप होमवर्क का क्वेश्चन बोल रहे हो क्या बच्चा? हाँ सर। अच्छा एक मिनट एक मिनट, एक मिनट देखना पड़ेगा। अच्छा फोर पे पावर एक्स वाला, ठीक 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 ठीक, हाँ ठीक ओके देख लो, देख लो ठीक है। इसे हटा देता हूँ मैं, ये भी देख लो आप। ऐसे क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट में बहुत मिलेंगे, ठीक है, जहाँ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वगैरह आएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर फोर देख लो आप लोग जरा। फोर पे पावर एक्स प्लस एट टू बाई थ्री पे पावर एक्स माइनस टू माइनस 52 टू पे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चलो ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन था बच्चा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, सबको टू के पावर में चेंज कर लेते हैं। इसको क्या लिखूंगा मैं बताओ? टू पे टू के पावर टू एक्स, ठीक है। अच्छा ये देखो, हाँ तो टू पे ये टू एक्स माइनस टू हो जाएगा क्या? जरा देखो कैसे, टू पे थ्री इंटू टू बाई थ्री एक्स माइनस टू, ये थ्री से ये थ्री कट गया, ठीक है, ये आ गया माइनस 52 और टू पे टू टाइम्स एक्स माइनस वन, ठीक है। अब देख लो बच्चे इसको और मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, टू पे एक्स, टू पे टू एक्स माइनस फोर, 52 माइनस टू पे टू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब देखना बच्चा इसमें क्या ना, आपको टी मानना पड़ेगा, इसको इसको टी मान लो आप, सारी जगह टू पे टू एक्स है तो टू पे टू एक्स को आप क्या कर लो, टी मान लो, ठीक है, टू पे टू एक्स को टी मान लो। अब देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा आप बताओ, ठीक है। हाँ कहाँ, अरे यहाँ नहीं मिलेगा ना, तो अरे 52 को सर अभी किनारे कर दीजिए, उसका काम अंत में पड़ेगा, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये ऐसा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है ना, बताओ जरा कैसे ऐसा किया, देखो बहुत बड़ा काम नहीं किया ये, मैं देखो जरा बेस सेम है, एक्सपेंड ऐड करो, ठीक है, हाँ इसको भगा ही दो सर, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लो, तो टू पे टू एक्स इंटू टू पे माइनस टू और इधर 52 कर लो। अब बस बच्चे यहाँ पे शायद जैसे इन्होंने बोला कॉमन ले लो या फिर इसको टी मान लोगे तब भी ठीक है, तो टी टी वाई ये कितना आएगा, 16 माइनस टी वाई 4, अभी हो जाएगा बच्चा, जरा बताओ अभी कर लोगे, टी की वैल्यू निकाल लेना, टी की जगह टू पे एक्स कर लेना, हो जाएगा ठीक, कर दूं मैं पूरा बताओ, हो जाएगा सर, हाँ हो जाएगा, ठीक ठीक। चलिए तो लास्ट टाइम पे हम लोग, अच्छा एक इनइक्वालिटी इन्होंने पूछा है, किसी ने पूछा था प्रूव करने के लिए, मैं वो तो वो इनइक्वालिटी मैं प्रूव करा देता हूँ, किसी ने अभी भेजा था मुझे, ठीक है तो बढ़ते हैं आगे। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना, लास्ट टाइम मैंने उसका बेसिक ग्राफ बता दिया था आपको, तो जो क्वेश्चन भेजे थे अगर बता दीजिए वो भी। अच्छा तो वही तो मैं बोल रहा था, चलो देख ही लो, ठीक है देखो, जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन बोला था ए और बी ऑल रियल, या तो मुझे क्वेश्चन याद है यही होगा, ठीक है,
ये इन्होंने बोला था प्रूफ करने के लिए, अगर ए और बी कोई भी रियल नंबर हो तो ये इनइक्वालिटी मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो बच्चा कैसे प्रूफ करना है, ये देखिएगा इसका प्रूफ देख लीजिए, इसका प्रूफ देखिए, ठीक है। अच्छा ये बताना बच्चा, एक एक रूल होता है, जैसे ये रूल ए प्लस बी जो होगा वो लेस देन होगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक है। ये होगा ये रूल होता है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप लोग सोच के बताना, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इतना तो सबको पता चल जाएगा, देखो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, सब में मॉड वोड लगाया तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब आप बताना मुझे जरा, ये सोच के बताना ये क्या होगा, बताओ जरा, ऐसा होगा कि नहीं बताओ, ठीक है, ऐसा होगा ना। यस सर, यस सर। अब आप ये बताओ, दोनों साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, डिवाइड कर सकते हैं। Yes. सारे पॉजिटिव नंबर, देखो आप खुद देखो ना, सारे पॉजिटिव नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डिवाइड कर दो, ठीक है, वो बहुत टफ नहीं है बच्चा, ठीक है। इसको भी इससे अलग अलग मैं लिख देना डिवाइड को, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, बताओ जरा, बताओ भाई, जो पूछा उसको अच्छे समझ आना चाहिए, ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब आप बताना मुझे, आप बताना मुझे, आप बताना मुझे, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? पहला वाला, पहला वाला। ठीक है, तो क्या मैं इसको, तो क्या मैं इसको बोल दूं ये छोटा होगा इससे, क्या होगा ना? यस सर, पर डिवाइड 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी सर, लेफ्ट साइड में सर 1 भी तो था ना। हाँ तो अच्छा, ठीक है, मैं हाँ मैं अच्छे से लिख दूं, अच्छे से लिख दूं, अच्छा चलो ऐसे लिख दूं, चलो ठीक है। मैं एक ही, मैं एक ही लाइन में कर दिया थोड़ा, ठीक है, देखो ऐसे देखो, ठीक है, अभी ठीक है ना बच्चा। अच्छा अब इसको इसके साथ इसको लिख ले रहा हूँ, और इसके साथ इसको लिख ले रहा हूँ, अभी ठीक है, अभी समझ में आ रहा है, अभी आ रहा है ना? यस सर, यस, ठीक है, ठीक है, चलिए। अब देखना बच्चा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बस ये बता दो मुझे कि क्या ये लेस देन होगा कि नहीं वन अपॉन मॉड ए और वन प्लस मॉड ए के, इससे कम होगा कि नहीं? Yes, sir. पक्का है? अच्छा अब इसको, yes, sir. क्या ये अब समझ रहे होगे आप लोग आंसर, इससे कम होगा कि नहीं? Yes, sir. तो क्या इनके सम से नहीं कम होगा? Yes, sir, okay. और जब ये इससे बड़ा है तो ये तो इससे बड़ा होगा ही होगा, हो गया ब्रो, क्या दिक्कत है भाई? चलो ठीक है, चलो फिर अब हम कुछ पढ़ लिया जाए, प्रॉपर्टीज वगैरह के क्वेश्चंस कर लिया जाए। ठीक है, ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो ना बच्चा, तो ऐसे पहले भेज दिया करो, क्लास के पहले भेज दिया करो आप लोग, जैसे इन्होंने भेजा था फिर पूछ लिया करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी देखिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एन कोई इंटीजर इसके बराबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी एन इंटीजर के बराबर है, और आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना चाह रहे हो, x की वैल्यू क्या होगी? x belongs to close n से open n plus 1। हाँ, n plus 1। कैसे? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा कैसे। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, तो आपको पता है ना 3 कब आएगा?
या तो 3 लेंगे या तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ये सारा नंबर लेंगे तो 3 आएगा ही आएगा, लेकिन 4 लेंगे तो नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं बोल दूँ 3 से ज्यादा और 4 से कम कोई वैल्यू नहीं, तो हमेशा 3 आएगा कि नहीं। तो याद रखिएगा, अगर ये n के बराबर है तो n से लेके n प्लस 1 तक जाता है, n पे क्लोज रहेगा। देखिए क्यों, 3 पुट कीजिए 3 आएगा, 3.1 पुट कीजिए तब भी 3 आ रहा है, 2, 3 तभी आ रहा है, 3.99 पुट करने पे भी 3 आ रहा है, लेकिन 4 पुट करने पे 3 नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर दिया, इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरी देखिए, चलिए ये बताइए कितना होगा, ये क्या होगा, इस पर 2 बार लगा दिया क्या आएगा, ये आएगा ना, ठीक है ये आएगा ना, आप खुद देखो ना। हाँ सर, अभी देखो, जरा सोचो, ये इंटीजर है ना, अरे ये तो इंटीजर है ना, ये तो इंटीजर है ना। अगर मान लो इसके अंदर मैं 3 रख दिया तो एज अगर इंटीजर रख दे रहे हैं तो इंटीजर तो वैसे निकल जा रहा है। मैंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है, इंटीग्रल वैल्यू इक्वल्स टू और जस्ट लेस देन, या तो इसके बराबर कोई इंटीजर आ जाए। ये खुद ही इंटीजर है ना, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद ही तो इंटीजर है, तो ये ऐसे ही निकल जाएगा। जैसे 3 था बच्चा, यहाँ पे इंटीजर, तो 3 तो ऐसे निकल गया, 4 होगा तो 4 तो वैसे ही निकल आएगा। यहाँ पे भी देखो तो ये भी तो इंटीजर ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, हमेशा इंटीजर वैल्यू ही देता है, ये निकल के क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो हो सके कभी कभी क्वेश्चन में क्या, डराने के लिए इसके बाद 5 लगा देंगे, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 बड़ा सा लिख देंगे और होगा ये, बाहर निकाल लीजिएगा। ठीक है, डराने के लिए बस। ठीक है, तीसरा देखिए, ग्रेटर देन n होगा, अगर n से बड़ा है तो x की वैल्यू क्या होगी, जरा बताइए, n प्लस 1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होगा तो x के लिए ग्रेटर देन n होगा। ठीक है, लेस देन n होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन n होगा, और लेस देन इक्वल्स टू n होगा तो x की वैल्यू लेस देन n प्लस 1 होगा। अब ये चार इनइक्वालिटीज बच्चा लोग आपको कैसे भी करके याद करना पड़ेगा, ये चार इनइक्वालिटीज बहुत, क्या बच्चा कहाँ पे, यहाँ पे क्यों, थर्ड सर, फिफ्थ सर। अच्छा, यहाँ पे क्या रहेगा, क्यों क्यों सर, इक्वल टू भी रहेगा, नहीं यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, यहाँ लेस देन है और लेस देन इक्वल टू है। हाँ, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे है। अच्छा ठीक है, ओके, यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिएगा, तो बच्चा ये चार प्रॉपर्टी थोड़ा कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज इसलिए, देखिए कहीं पे n प्लस 1 हो जा रहा है, कहीं पे ये सिंबल रिटर्न हो रहा है, कहीं पे हट जा रहा है, तो आपको इसको कैसे भी करके याद करना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है, चारों तो सबसे जरूरी है ना बच्चा, ये चारों सबसे ज्यादा जरूरी है, ये चारों सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो अब देखिएगा कि सर ये कैसे आया, तो देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझा पाऊंगा, लेकिन आपको याद करना आपका काम है, और कोशिश कीजिए आज ही याद कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अभी जब डोमेन रेंज निकलवाएंगे इसका बहुत यूज आएगा आपको। अब देखिएगा, जैसे एग्जांपल करके, एक एक का एग्जांपल मैं करके आपको सिखा रहा हूँ। पहला देखो बच्चा, जैसे मैं ग्रेटर देन एन का कराता हूँ, अगर मैं ऐसे एन इंटीजर है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एन बच्चा इंटीजर है, ठीक है, जेड एन इंटीजर है। अब देखिएगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 4 मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, 4 से बड़ा कर दे रहा हूँ, आप ऐसे लिख दिए, आप इसको हटा के डायरेक्ट लिख दिए, तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, जरा देखिएगा, 4 से बड़ा तो 4.1 भी होता है, और अगर यहाँ 4.1 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 ग्रेटर देन 4 नहीं होता, मतलब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई देखिए नहीं कर रहा है। अगर आप 4 से जस्ट बड़ा बड़ा नंबर लोगे, 4.1 लोगे, 4.2 लोगे, 4.3 लोगे, 4.99 भी लोगे, यहाँ पे देखो 4 आ जा रहा है, और 4 से बड़ा 4 नहीं होता, बराबर होता है, लेकिन बराबर का सिंबल तो मैंने दिया ही नहीं यहाँ। तो इसीलिए यहाँ इस इनइक्वालिटी को सही करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 दिया और यहाँ इक्वालिटी लगा दी, मतलब ये क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से 5 आ जाएगा। समझ में आ रही वाला रूल, बताओ। यस सर, आ रहा है। अब देखो इसी तरह से, अगर आपका ये रहेगा ग्रेटर देन 4 कर दिया मैंने, तो 4 यहाँ पे डायरेक्टली हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट सदा हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, 4 या 4 से बड़ा कोई नंबर लो, इसको सेटिस्फाई करेगा। 4 ले लो, आई रहा, 4.1 लो, तो देखो इस बार 4 आ रहा है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल वाला तो है ही, इक्वल वाला तो है ना, देखो अगर 4.1 लोगे बच्चा तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 4, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो इक्वल टू वाला 4 तो सिंबल सेटिस्फाई कर ही रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है,
तीसरा देखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा चाहिए तो, लेस देन अगर थ्री कर दो तो यहाँ पे डायरेक्ट हटा दो, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डायरेक्ट ही हटा दो, कोई वैल्यू ले लो, थ्री से कम कोई वैल्यू ले लो, 2.9 ले लो, 2.99 ले लो, देखो 2 ही आएगा, मतलब इससे कम ही आएगा, आप लेके देख लो ये इंटीजर वैल्यू इससे कम ही आने वाली है। फोर ले लो, फोर देखो, अब मैंने ये कर दिया, यहाँ ध्यान देना जरा, यहाँ ध्यान देना, अगर मैं यहाँ दिख रहा है जरा दिखाना एक बार, दिख रहा है कि नहीं वहां, चलो दिख रहा है ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं लेस देन इक्वल टू थ्री कर दूं, यहाँ पे मैंने थ्री कर दिया तो लेस देन इक्वल टू थ्री कर दूं तो ठीक है, इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अपने पास पूरा आंसर नहीं आ रहा है, ये आधा आंसर है, क्यों, जरा एक्स को 3.1 लेके देखो तभी तो थ्री आ रहा है, 3.2 लेके देखो तभी तो थ्री आ रहा है, मतलब कुछ वैल्यूज हमसे छूट जा रही है, तो ऐसा तो होता नहीं कि मनमौजी करें कि आधा आंसर लेके चले आधा छोड़ दें, तो इसीलिए यहाँ पे भी बच्चा आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे फोर करना पड़ेगा। अब देखो फोर से कम कोई नंबर ले लो, इस इक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लेस देन को भी सेटिस्फाई करेगा, मिला जुला के आपको इतना नहीं सोचना है, आपको ये चार प्रॉपर्टीज कैसे भी याद करनी है, कैसे भी याद करनी है, चाहे आप कोई भी रूल बना लो चाहे कुछ भी कर लो ठीक है, लेकिन याद जरूरी होना चाहिए, ये चारों प्रॉपर्टीज आप याद कर लो, लिख लो जल्दी लिखो, फिर आगे सर पहला वाला बताएगा, सर पहला वाला ये वाली प्रॉपर्टी नहीं सर, सर वो पहला, सर वो जो एग्जांपल पहला लिखे हैं, एग्जांपल पहला कहाँ लिखे, अच्छा ये वाला, चल देखो यहाँ देखो, चलो यहाँ देख लो, देखो अच्छा देखना, अगर मैं ये ऐसे कर दूं ग्रेटर देन फोर कर दूं ठीक है, ग्रेटर देन फोर कर दूं, इसको डायरेक्ट हटा ही दूं, तो जरा ये बताओ बच्चा एक्स को 4.1 ले लो, यहाँ पे एक्स को 4.1 लो, जरा फोर से ग्रेटर मतलब 4.1 ले ही सकते आंसर में, तो 4.1 यहाँ पुट करो, तो 4.1 ग्रेटर देन 4, क्या 4 ग्रेटर देन 4 है, बताओ जरा है क्या, नहीं है ना, नहीं है, मतलब हम लोग का आंसर गलत हो जा रहा है, हम लोग का आंसर गलत हो जा रहा है, तो 4.1 पे भी गलत होगा, 4.2 पे भी गलत होगा, 4.3 पे भी गलत होगा, कब तक गलत होगा, 4.99 पे गलत होगा, लेकिन जैसे 5 से स्टार्ट करेंगे गलती नहीं होगा, तो इसीलिए बच्चे यहाँ से हमने इसको हटा के 5 से स्टार्ट करना पड़ता है, अब समझे, समझे बच्चा बताओ आया कि, अच्छा ये नहीं आया तो मेरे पास दूसरा भी तरीका है, बताओ अगर ये नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका है समझाने का, सर वो भी बता दीजिए सर, नहीं सर पहला वाला समझ में नहीं, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ठीक है, इसे लिख लीजिए मैं दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं इसके लिख लीजिए मैं दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ ठीक है, इसे लिख लीजिए, चलिए दूसरे तरीके से बता देते हैं, लेकिन ये चारों जरूर याद रखिएगा, चलिए देखिए पहला मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि यही वाला ना दिक्कत आ रही है इसमें ठीक है, तो एक काम कीजिए हम काम करते हैं दोनों का ग्राफ बना लेते हैं, ये चार वाला देखिएगा ग्राफ बना लेते हैं ठीक है, एक यहाँ गया ऐसे आया ठीक है, कल ही बताया था ऐसा ग्राफ होता है ठीक है, और ये आपका क्या आएगा बच्चा 1 2 3 4 5 ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ठीक है, चलो बच्चा अब आपको देखिए क्या करना है, इसको ना 4 से ग्रेटर दिखाना है ठीक है, इसको आपको 4 से ग्रेटर दिखाना है, रुक जाइए ऐसे रहिएगा ठीक है, अब आप काम करो ना, देखो ये क्या है ना, ये भी y है और ये भी y है, तो y इक्वल टू 4 वाली लाइन का, y इक्वल टू 4 वाली लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन होगी, देखिए y इक्वल टू 4 वाली लाइन ये वाली लाइन होगी ठीक है, ये वाली लाइन होगी, ये y इक्वल टू 4 वाली लाइन होगी ठीक है, अब आप बताना बच्चा ये y इक्वल टू 4 वाली लाइन होगी
और इसी पे अपना ग्राफ भी है, ये इतना वाला पार्ट का ग्राफ भी है, ठीक है, ग्राफ भी है, ठीक है। और ये वाई इक्वल टू फोर वाली लाइन है, और ये आपका ये है। तो आप ये बताओ इसका ये क्या, इससे बड़ा है ना, मतलब इसका जो ग्राफ होना चाहिए, इसका जो ग्राफ होना चाहिए, इसका ग्राफ होना चाहिए ऊपर होना चाहिए ना, ऊपर होना चाहिए ना फोर से इसका ग्राफ, क्योंकि ये इससे ग्रेटर है बच्चा, तो इसका ग्राफ जो है इसके फोर से ऊपर होना चाहिए। तो जरा आप बताओ ये पूरा देखो, यहाँ से नीचे सारा ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का फोर से नीचे है, कहाँ से ऊपर है आप बताओ, यहाँ से ऊपर है क्या, जरा देखो यहाँ से देखो ये पूरा ग्राफ, ये पूरा ग्राफ देखो ऊपर है कि नहीं, फोर से ऊपर है कि नहीं बताओ। यस सर। अच्छा अभी बताओ ये जो पूरा ग्राफ है जो फोर से ऊपर है, ये ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये अपना ग्राफ आंसर देगा, और इस आंसर के लिए देखो एक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जरा बताओ कहाँ से एक्स स्टार्ट हुआ है, फाइव से तो फाइव से ग्रेटर हो गया, ठीक है। फाइव से जब कुछ भी लोगे देखो सारा ऊपर ही बनेगा, मतलब ग्रेटर ही आएगा, अब समझे यहाँ से आंसर क्या आएगा, एक्स ग्रेटर इन इक्वल टू फाइव आएगा। ग्राफ से आ रहा है कि नहीं बताइए। यस सर। पक्का ना, ठीक है। Yes, ग्राफ से भी आप समझ सकते हो, देखो अगर कहीं कुछ फेल भी कर दे तो क्या, तो ग्राफ खरीद लो, ग्राफ सबसे बेस्ट अप्रोच होता है बच्चा, ये कभी भी गलत नहीं देगा। इवन कहेंगे फार्मूले में जैसे अगर एन के जगह 1/2, 3/2 दे दें तो वहां पे ग्राफ से करोगे तो और जल्दी आंसर देगा, वहां पे एन फार्मूला जो सारा मैंने बताया आपको इंटीजर के लिए बताया है, लेकिन अगर फ्रैक्शन वगैरह दे दें तो ग्राफ बड़ा अच्छा हेल्प करेगा आपका, ठीक है। चलिए एक दो और लिख लीजिए प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे क्या जो भी प्रॉपर्टी नंबर था याद नहीं मुझे, तो अगर कहीं पे ऐसे है मतलब एक्स के साथ कोई इंटीजर जुड़ा हुआ है यहाँ पे 4, 5, 6, तो आप क्या करो इस इंटीजर को बाहर निकालो, कोई दिक्कत नहीं विद सिंबल इस इंटीजर को बाहर निकालो। जैसे अगर मैंने कहीं ऐसे लिख दिया एक्स प्लस 3 लिख दिया, तो आप काम करो इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आंसर पे, इसको बाहर निकालो आंसर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह अगर मैंने x माइनस 3 लिखा तो माइनस 3 को बाहर निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत इससे नहीं आएगी, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी प्रॉपर्टी है। एक ये प्रॉपर्टी देख लो, अगर माइनस x है बच्चा तो क्या आता है, माइनस 1 माइनस ऑफ ये आता है, ठीक है। माइनस कैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल भी रख देता हूँ आपके सामने, -2.16, इसका आंसर आपको पता है कि -3 होता है, इसका आंसर आपको पता है कि -3 भी होता है, लेकिन आप चाहो तो इसको इससे भी कर सकते हो, क्या है -1 -of this, तो इसको कैसे लिखता हूँ, -1 -of 2.16। अब इसका भी आंसर देखो जरा कितना आ रहा है, -3 ही आएगा, देख लो जरा -3 आएगा ना। तो अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर निगेटिव सिंबल है तो ये आगे आ जाएगा, लेकिन एक -1 भी आएगा, ठीक है, ये आगे आएगा विथ -1। तो बताओ यहाँ तक की प्रॉपर्टीज में किसी कोई डाउट है, ठीक है। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ ठीक है, देख लो बच्चा जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बताना, जैसे ये निगेटिव है ना, अगर यहाँ पे जैसे निगेटिव में कोई नंबर ले रहा हूँ मैं 2.8 ले रहा हूँ, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर बताओ कितना आएगा, -3 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम चाहते हैं इस फार्मूले से लाना, देखते हैं कि फार्मूला सही है कि नहीं, फार्मूले से ला सकते हैं कि नहीं। तो जरा देखो ये फार्मूला क्या कहेगा कि अगर माइनस एक्स है तो इसका क्या होगा, -1 -of और x, मतलब माइनस एक्स से एक्स कैसे आएगा, ये नेगेटिव सिंबल भूल जाओ, तो 2.8। जरा इससे भी आंसर देखो कितना आ रहा है, तो -1 और 2.8 का क्या होगा, 2 होगा क्या, 2.8 का 2 होगा, अभी yes, आ रहा है बच्चा -3 आ रहा है। ओके ओके ठीक है। हाँ तो इतनी प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखिए, एक दो और प्रॉपर्टीज है उसको भी मैं लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, उसको मैं प्रूफ भी कराऊंगा। इतना लिखिए और एक दो क्वेश्चन आप देते हैं, ट्राई करते हैं उससे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये मैंने दिया आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो बच्चा क्या है, ये है क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वाड्रेटिक किसमें है बच्चा,
इसमें है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक काम करते हैं, है तो इनिक्वालिटी, तो एक काम करते हैं अपने आसानी के लिए इसको टी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको टी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी का स्क्वायर वाइफ ऑफ टी प्लस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है आएगा। अब इसे तो हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, क्या है इनइक्वालिटी है, टी की वैल्यू निकालेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, सिंबल चेक करेंगे, आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी है तो पहले इसको फैक्टराइज कर लो, तो टी प्लस थ्री टी प्लस टू, ठीक है। टी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री और माइनस टू, तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, तो एक आया आपका माइनस थ्री और यहाँ माइनस टू, सिंबल चेक करोगे तो प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन जीरो बच्चा मतलब पॉजिटिव आंसर लेना, तो आपका एक आंसर क्या आएगा टी लेस देन माइनस थ्री और टी ग्रेटर देन माइनस टू, यही आपका आंसर है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री यूनियन माइनस टू से इन्फिनिटी, लेकिन ना हमें टी में आंसर तो देना नहीं था, हमें देना था एक्स में आंसर, तो अब यहाँ पे टी की जगह मैं लिख ले रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। और अभी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना बताया, तो यहाँ पे देखो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा बताओ, ये वाली लगेगा, यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू एन, यहाँ पे एन की वैल्यू माइनस थ्री है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ ऐसे ही निकल जाएगा, ये वैल्यू क्या है लेस देन माइनस थ्री ही आएगी, ठीक। अब यहाँ पे ये वाला लगेगा, देखो जरा ग्रेटर देन इक्वल टू एन वाला, तो यहाँ पे जरा बताइए क्या लगता है, वहां पे बताइए क्या आता है, देख के बताइए प्रॉपर्टी एन प्लस वन, ठीक है क्या आएगा ग्रेटर देन एन प्लस वन आएगा, नहीं एन प्लस वन क्या आएगा भाई, यही आएगा ना, क्या हुआ यहाँ पे होगा बच्चा, सॉरी देखिए यहाँ पे बच्चा आपका एन प्लस वन होगा ना, यहाँ पे जब लेस देन एन होता है तो एन प्लस वन होगा ना, हाँ ठीक है यहाँ पे एन प्लस वन होगा बच्चा, इससे सही करो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ये वाला लिखवाया था ना आपको, अगर लेस देन इक्वल टू एन है तो क्या होगा, देखो जरा आप लोग चेक कर लो, देखो सारे लोग जब लेस देन एन होता है तो क्या आता है एन प्लस वन से, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस थ्री, देखो एन की वैल्यू क्या माइनस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस वन क्या आएगा बच्चा माइनस टू आएगा। अब यहाँ देखो जब इसके बराबर आता है तो यहाँ पे ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। अभी बताओ कोई डाउट है, फाइनल आंसर क्या होगा जरा बताओ आप लोग, फाइनल आंसर बताओ, ठीक है कोई डाउट है, यहाँ देख लो बच्चा फिर से बता देता हूँ, देखो यहाँ तक तो हमने आंसर लिखा, अभी टी को मैंने ये मान रखी कि एक्स में आंसर देना था हमें, तो ये लिख लिया लेस देन, अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको लिखवाया होगा कि जब लेस देन एन होता है तो ये यहाँ हटता है तो ये आ जाता है, देख लो आप तो एक बार चेक कर लो, यहाँ एन प्लस वन आ जाता है, तो एन की जगह जरा देखो क्या है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस वन क्या आएगा माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी ग्रेटर देन एन, तो यहाँ पे क्या था जब ये हटता तो वही का वही रिटेन रहता है, जो रहता है फॉर्मूला वही आ जाता है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू आ गया, तो फाइनल आंसर देखो क्या आएगा, दोनों का यूनियन ले लो, ठीक है दोनों का यूनियन ले लो, ये बोल रहे हैं कि माइनस टू से कम, और ये बोल रहे हैं कि माइनस टू इससे ज्यादा, तो आंसर क्या आएगा ऑल रियल आएगा, ठीक है इसे लिख लीजिए आप लोग, इसे लिख लो भैया, लिख लो और क्वेश्चंस करते हैं आज, ठीक है ये पे और क्वेश्चंस करेंगे आज, सबको समझ में आ रहा है ना बच्चे, बताना आप लोग, ठीक है चलिए एक और कीजिए जरा, एक आप लोग ट्राई कीजिए इसी में का। इसको ट्राई करो, ये एक्स है इसको ट्राई करो,
हेलो ट्राई करो भाई, देखिए आंसर बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6 लेस देन 0। सर क्लोज नहीं, क्लोज माइनस वन से थ्री, क्लोज माइनस वन से थ्री, यही आया है। यस सर, क्लोज माइनस वन से थ्री, ओपन थ्री, ओपन थ्री, ओपन थ्री। चलिए सारे लोग देखो यही आया है, सारे लोग बच्चा ट्राई करो, ठीक है आएगा, ये सब आसान है ना, ट्राई करो आ जाएगा, जैसे बताया था इसको टीम मान के अगर ट्राई करो। इसको टीम मानो, देखो जरा इसको टीम मान लो तो क्या आएगा आपको बताओ, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस सिक्स लेस देन जीरो आया, ठीक है, तो यहाँ फिर एक इनइक्वालिटी आ गई, यहाँ पे इसको क्या करो फैक्टराइज कर लो, तो टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू टी माइनस सिक्स लेस देन जीरो, तो टी कॉमन ले लो, टी माइनस थ्री टू कॉमन ले लो, टी माइनस थ्री, टी माइनस थ्री और टी प्लस टू, ठीक है लेस देन जीरो आ गया। तो अब यहाँ टी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस टू और थ्री आ रही है, तो माइनस टू और थ्री आ रही है, ठीक है प्लस माइनस प्लस, ठीक है आप सिंबल चेक कर लो, ये आएगा लेस देन जीरो, मतलब हमको निगेटिव आंसर लेके चलना, और निगेटिव आंसर बच्चे इसके बीच में मतलब जो टी की वैल्यू है वो कहाँ से है, माइनस टू से थ्री के बीच में, ठीक है टी की वैल्यू क्या है माइनस टू से थ्री के बीच में। अब इसका यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लिया है, टी की वैल्यू तो निकालनी नहीं थी, तो यहाँ पे आप लिख लो जरा लेस देन थ्री और ग्रेटर देन माइनस टू। अब एक एक करके इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो देखो मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अगर ये बच्चा लेस देन थ्री होता है तो क्या आता है आप देख लो, लेस देन एन आता है तो लेस देन एन ही आता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी मैं लिख दे रहा हूँ, जब बच्चा ऐसे होता है तो एक्स लेस देन एन ही आता है, प्रॉपर्टी देख लो यहाँ पे एक्स लेस देन थ्री आ गया, इस ये आंसर ही आया, ठीक। चलिए अच्छा आपको पता होना चाहिए बच्चा इन दोनों आंसर में बच्चा क्या होता है एंड होता है, एंड मतलब इंटरसेक्शन लेते हैं, जैसे बोला ये इससे ज्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, और है ना एंड है, तो दोनों का आंसर का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने देखो जरा इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, माइनस टू लिख ले रहा हूँ, इसको मैंने देखो जरा ऐसे लिख ले रहा हूँ, आप बताओ जरा जब ऐसे होता है तो आपको पता है मैंने अभी लिखवाया था ये क्या हो जाता है एन प्लस वन आ जाता है, जब ग्रेटर देन एन आता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन, ये सिचुएशन यहाँ पे भी है, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन, माइनस टू प्लस वन क्या आएगा माइनस वन आएगा, ठीक है। अब ये दो आंसर आया, दोनों का इंटरसेक्शन आप देख लो क्या आएगा, देखो दोनों आंसर मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि माइनस वन या इससे ज्यादा, और ये बोल रहे हैं कि थ्री से कम, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है तो माइनस वन से थ्री, ये आंसर है, ठीक है सही आंसर है, सारे लोग कर लो। अब बच्चा डाउट हो तो पूछ लो, डाउट हो तो पूछ लो, क्वेश्चन सॉल्व लिखा हूं मैं, जरा कीजिए इसे ट्राई कीजिए। इसके वैसे एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराते हैं, पहले ये सब कर लीजिए छोटे छोटे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगा पूरा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, नहीं है तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। एक और क्वेश्चन कीजिए जरा। वाई की वैल्यू इन्होंने दिया है 2 + 3, और एक वाई दिया इन्होंने 3 x - 2 + 5। तो आपको फाइंड करना है, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो जरा सोचिए कैसे लगाएंगे, सोचिए, बहुत टफ नहीं है, सारे लोग कोशिश कीजिए, प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए बस। मैं अभी बोलूंगा कि अभी जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे दे रहा हूँ कि आप लोग सीखो प्रॉपर्टीज, पहले प्रॉपर्टी यूज करना सीखो। ट्राई करो सारे लोग, हो गया सर। कितना रहे बच्चा? वाई नहीं, ये कितना रहे, ये डायरेक्ट मुझे बता दो बस। वाई आ रहा है नहीं, इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है बच्चा, इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, ये मतलब न्यूमेरिकल टाइप आंसर है ये। तो अपॉन 3 करके दिया हुआ था ये आंसर, लेकिन आप ऐसे करो जैसे ये आंसर था अपॉन 3 करके, इंटीट न्यूमेरिकल टाइप ये क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपॉन 3 किया था। हाँ हाँ बताइए सर, एक मिनट सर। अच्छा ठीक, ले लो सब लोग ट्राई करो, सबसे आएगा, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है बस, अभी मैं करूंगा तो कहोगे क्या है। सर 15 सर, 15 15 सही है सर, 15 आया है, एकदम ठीक है, 15 सही है, ठीक है। देखो भाई आप लोग देखो, ये वाई बराबर है, इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ, ऐसे तो आप सॉल्यूशन निकालते हो किसी का, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ। अब आप बताना, ठीक है, देखना जरा, ये जो चीज है देखो जरा, ये अभी मैंने आपको सिखाया कि नहीं, ये निकाल सकते हैं कि नहीं, हम 2 को निकाल सकते हैं कि नहीं, इसको मैं आपको बताया था ना कि x - 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, सिखाया था कि x + n हो तो n को बाहर कर लो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ जरा देखना, ये आया यहाँ पे 3 times, इसको मैं लिख ले रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 2, ठीक ठीक है। चलिए अभी देखिए, 2 greatest integer x + 3 = 3 greatest integer x - 6 + 5, ठीक है। अब इसको इधर लेके आए तो 2 में से 3 गया तो माइनस आया, और ये इधर आएगा तो देखिए क्या है, -1, इधर आएगा तो
माइनस फोर आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, फोर आ गई। अभी मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी सिखाया है, जब ये इक्वल टू फोर जाएगा तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी आप बताओ, फोर से फाइव जाएगी, ये एक्स आया आपका, ठीक है, ये आपका एक्स आ गया। वाई निकालो, देखो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, चार है, तो चार पुट करो यहाँ पे, वाई इक्वल टू टू इंटू फोर प्लस थ्री ना, देखो जरा ये कितना आ गया, वाई की वैल्यू इलेवन आ गई, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, क्या है इसकी वैल्यू निकालना है, तो एक्स प्लस वाई, तो जरा इसमें देखो वाई ऐड करो, वाई की वैल्यू कितनी है, ग्यारह है ना, ग्यारह, तो अगर वाई ऐड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ दोनों साइड वाई ऐड करो, यहाँ पंद्रह आएगा क्या, अरे वाई इधर देखो वाई ऐड करो तीनों साइड, कितना आएगा आप बताओ, ऐसे समझ लो, तो ऐसे समझ लो, ये बताओ बच्चा आप लोग कि चलो देख लो ये वाई की वैल्यू कितनी, ग्यारह है, ठीक है, मैं तीनों साइड ग्यारह ऐड कर दूं, ग्यारह ऐड कर दूं तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा पंद्रह एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या आएगा सोलह, यही आएगा कि नहीं, सारे लोग सोचिए बताओ ये सही लिखे हैं कि गलत। देखो जैसे मैंने कहा वाई की वैल्यू ग्यारह है और एक्स प्लस वाई कितना आएगा, अच्छा ये छोड़ो ये बताओ अगर वाई की वैल्यू ग्यारह है, आप बताना मुझे वाई की वैल्यू अगर ग्यारह है तो, और एक्स की वैल्यू चार से पांच है, चार से पांच के बीच में, तो एक्स प्लस वाई आप बताओ किसके बीच में आना चाहिए, पंद्रह से सोलह के बीच में आना चाहिए, आप देख लो ऐड करके, पंद्रह से सोलह के बीच में आना चाहिए, और पंद्रह से सोलह के बीच में कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या आएगा वैल्यू बताओ आप, पंद्रह आएगा बताओ, यस सर, ठीक है, आया है कि नहीं सबको समझ में, बताओ भाई विशाल है, नहीं विशाल नहीं है सर, चला, ठीक ठीक ठीक, चलो सबको आ रहा है ना भाई, नहीं आएगा तो बच्चे आप पूछ लो फिर से बता दूंगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक दो और बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा ना, तब जरा आप लोग फार्मूले पे अच्छे हो जाते तो अच्छे क्वेश्चन कराऊँ, सब्जेक्टिव मैं लिख के लाया हूँ आज कुछ, लेकिन अभी तो थोड़ा मुझे डर लग रहा है कि कराने में, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए ऐसे कीजिए, इसे जरा करो आप, देखिए कैसे हो गई, क्लोज जीरो से क्लोज फोर, क्या जीरो से फोर दोनों तरफ क्लोज, हाँ क्लोज्ड वन से ओपन फोर, ठीक है, बता दे रहे भैया और भी आंसर देखिए क्या कह रहा है, बताइए फोर पे ओपन रहेगा, हाँ गलती से, हाँ सर जीरो होगा, वन नहीं जीरो, जीरो ओके, क्लोज जीरो से ओपन, ठीक है, सारे लोग करो देखो क्या रहा है, क्लोज जीरो से क्लोज फोर, क्लोज जीरो से क्लोज फोर,
फोर पे तो बच्चा देखो क्या रहा है, चार चार दुनिया आठ, आठ में तीन जाए पांच, पांच बटे चार एक दशमलव दो पांच, इससे ज्यादा हो जा रहा है, ओपन फोर ही होगा, ठीक है ओपन फोर ही हो रहा है, फोर पे वन से ज्यादा आ रहा है ना वैल्यू। सारे लोग ट्राई करो भाई, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आंसर बस देना सीखो। आज इसका आपको दे दूंगा मैं डीपीपी रितेश इंटीजर का, सर क्लोज जीरो से ओपन फोर, क्लोज जीरो से ओपन फोर, ठीक है चलिए देखिए सब लोग आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए पहले मैं ये इनइक्वालिटी लेता हूँ, ठीक है देखिएगा, ठीक ये फोर इधर जाएगा और थ्री इधर, तो मतलब आएगा इधर आपका सेवन आ गया, तो ये लेस देन होगा आपका, लेस देन होगा आपका क्या बताइए, थ्री पॉइंट फाइव, ठीक है लेस देन होगा थ्री पॉइंट फाइव, ओके ठीक है थ्री पॉइंट फाइव से कम होगा, ये देख लो बच्चा थ्री पॉइंट फाइव से कम होगा। अब बात है कि सर आपने जो रूल सिखाया है वो एन के लिए लगेगा, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं बहुत आसान है कुछ नहीं, देखो मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी इसका आंसर दिखा देता हूँ, देख लो जरा, ठीक है देखिएगा अभी मैंने आपको जो लॉजिक सिखाया था ना थोड़ी देर पहले, देखिए यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है, चार गया तीन सात और दो इधर गया तो तीन दशमलव पाँच। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 3.5, देखो इसका ग्राफ इस बार क्या होना चाहिए, या तो इस लाइन के पास होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, अभी ये नीचे है ना देखो इससे लेस देन है, इसका ग्राफ इससे नीचे होना चाहिए, 3.5 वाले लाइन से नीचे होना चाहिए, तो देखो जरा बच्चा ये होता है ऐसे होता है, ठीक है और ये आपका ऐसे होता है, ठीक है ये वन है या टू है या आपका थ्री है, और ये आपका वन लग रहा है, नीचे बनाना पड़ेगा रुक जाओ भाई ये हटाओ इसको, ठीक है चलिए देखिए, ठीक है देखिए ये आपका वन है, ये आपका टू है, ये आपका थ्री है और ये आपका फोर है, ठीक है ये वन टू थ्री फोर फाइव। अब आप बताओ वाई कॉस टू 3.5 वाली लाइन किधर आएगी, इधर कहीं आएगी वाई कॉस टू 3.5 वाली लाइन, ये वाई कॉस टू 3 पर ये 3 है ये 4 है इसके बीच में आएगी कहीं। अब आप बताना आपका इसका ग्राफ इससे नीचे होना चाहिए, तो नीचे ग्राफ मतलब देखो यहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ से ग्राफ देखो नीचे होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये पूरा जो ग्राफ है ये जो ग्राफ आ रहा है यहाँ से पूरा ग्राफ इससे नीचे आ गया, और अपना एम क्या है कि ग्राफ इससे नीचे हो। अब जो ग्राफ नीचे उसके लिए एक्स देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 से कम स्टार्ट हो रहा है, देखो 4 से कम, तो इससे एक्स की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 4 आएगी। बताओ कोई डाउट है, सारे लोग देख के बताओ, नहीं सर बताओ, ठीक है आ रहा है ना, यस सर आ रहा है, ठीक है अतुल आ रहा है, यस सर आ रहा है, ठीक है ठीक है देख लीजिए फिर से मैं बता देता हूँ। देखो मैंने ये बोला कि इसका ग्राफ इससे नीचे होना चाहिए क्योंकि लेस देन है तो नीचे होगा, तो देखो जरा ये 3.5 वाली लाइन है और ये जो बच्चा ये इसका ग्राफ है, तो एक इस लाइन के ऊपर ग्राफ है और एक इस लाइन के नीचे ग्राफ है, क्योंकि हमको नीचे वाला ग्राफ देखना है, तो मतलब ये वाला पार्ट अपना आंसर देगा, जो ये ग्राफ का पार्ट है ये हुआ ये हुआ ये हुआ इसके आगे भी इधर होगा, ये अपना आंसर देगा। अब इसके लिए देखो जैसे हमको वाई तो चाहिए ना, हमको एक्स में आंसर देना है, ये जो ग्राफ का पार्ट आपका आंसर को दे रहा है इसके लिए एक्स कहाँ से कम है, चार से कम है, देखो इसके लिए एक्स जो है चार से कम है, चार से पूरा आंसर देगा, चार कितने कम जो भी ग्राफ बनाओगे सब इसके नीचे ही आएगा, इसलिए मैंने एक्स को लेस देन फोर कर दिया, ये पहला आंसर आ गया इससे। अब इस वाले को कंसीडर करो, तो -4 देखो इसको देखो -4 -3 तो इधर क्या आ गया बच्चा -1, मतलब आपका एक्स क्या आ गया ग्रेटर देन 0.5 आ गया नेगेटिव में, या -1/2 आएगा। अब आपको क्या करना है फिर यहीं पे ये काम करना है, यहाँ पे भी देख लो, चलो ऐसे ही देख लो,
ठीक है देखो। अब इस बार क्या होना चाहिए आपका, इसका ग्राफ माइनस वन बाई टू, तो देखो ये वन होता है माइनस वन बाई टू, ये वाली लाइन हुई y इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू, ये वाली लाइन हुई। अब आपको क्या चाहिए, जो इसका ग्राफ होना चाहिए इसके ऊपर हो। देखो जरा इसका ग्राफ क्या है, ये इसके नीचे इसके ऊपर, ये सारा ग्राफ, ये वाला आंसर देखो, ये सब इसके ऊपर है, ये जो बन रहा है ये ग्राफ, ये सब इसके ऊपर। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट है, तो जीरो से इन्फिनिटी, यहाँ से आंसर क्या आएगा बच्चा, x ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो ये बोला जीरो से बड़ा, ये बोला फोर से छोटा, आंसर जब लोग इंटरसेक्शन लोगे तो जीरो से फोर ही आएगा। देख लो जरा, ये बोला है, मैंने बोला ना जब दो इनक्वालिटी साथ में रहेगी तो इंटरसेक्शन में आंसर लेना पड़ेगा आपको। ये बोला है कि जीरो या जीरो से बड़ा, और ये बोला है फोर से छोटा, आपका आंसर क्या होगा, जीरो से फोर होगा। बताइए कोई डाउट है, किसी को कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। नो सर। ठीक है, चलिए नहीं है तो क्वेश्चन देते हैं, अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए ना, थोड़े अच्छे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बताइए। नो सर, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप ग्राफ याद रखोगे ना तो कभी कोई गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, फार्मूला कभी गलत करा दे एक दो जगह, लेकिन ग्राफ कभी गलत नहीं करा था आपका, इसलिए मैं ज्यादातर देखो, तो अगर बोर्ड्स वगैरह के बच्चों को पढ़ना रहता तो ग्राफ मैं अवॉइड कराता हूँ। क्यों? क्योंकि पूरी नॉलेज होती नहीं उन लोग को, और गलती ज्यादा कर देंगे, लेकिन आप लोग को तो सीखना जरूरी है। चलो भाई, तो एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा देखो। इसको जरा ट्राई करो, ऐसे कर लो, चलो ऐसे कर लो, बात एक ही है लेकिन बस परेशान करने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, x की वैल्यू निकालो, देख लो। अच्छा, ये अंदर मार्ट फंक्शन है, जब सोच के करना, कैसे करना है सोच के करना। ओके सर, इस वक्त दिखाई गई, सोच के करो। ट्राई करो फिर, इसके क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे आज। ठीक है, आज बेसिक क्वेश्चन ही दूंगा आप लोग को इसके। ठीक है, जिसका सेकंड डीपीपी दूंगा उसमें अच्छे क्वेश्चन दूंगा।
बच्चा है किसी का कोई कुछ भी आंसर आ रहा है? एक मिनट क्लोज जीरो से ओपन वन यूनियन क्लोज सेवन से ओपन एट थोड़ा बहुत मैच कर। यस सर शायद थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, पहला आंसर शायद सही है, देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है अब देखो जरा, एक बार देखो जरा, आप लोग बताना। देखो क्या है ना, यहाँ मॉड आ गया तो ये अपना बिहेवियर तो शो करेगा ही करेगा। ये बोलेगा कि x इक्वल टू वन पे अपना नेचर चेंज करेंगे और ये बोलेगा कि सेवन पे चेंज करेंगे। मतलब नंबर लाइन पे दो वैल्यूज आ गई जहाँ पे ये नेचर चेंज करेगा, एक वन पे और एक सेवन पे, इन दो जगह पे अपना नेचर चेंज करेगा। तो ठीक है फिर हम वही करते हैं जो मॉड के साथ करते आए थे, हम लोग वही करते हैं। तीन केस लेंगे, तो केस वन हम लोग लेते हैं, देखिए जरा क्या केस वन हम लेते हैं। एक्स के लिए लेस देन वन, लेस देन वन में अब आप बताना मुझे ये क्या आएगा, वन से कम लेने पे निगेटिव आएगा तो निगेटिव की तरह निकलेगा, तो रहेगा तो इसके अंदर ही लेकिन निगेटिव की तरह निकलेगा। तो क्या आएगा निगेटिव की तरह निकलेगा तो ऐसे कुछ आएगा। ठीक अच्छा ये देखो ये पॉजिटिव आएगा, आप लेके देख लो जरा, लेके देखो जीरो लेके देखो, सेवन माइनस जीरो देखो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव कैसे निकलेगा तो पॉजिटिव के तरह निकलेगा। और इधर सिक्स को इधर कर देते हैं। ठीक है बच्चा लोग क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन अभी बता रहे टफ नहीं है। ठीक है क्वेश्चन बहुत आसान है, बस धीरे धीरे करना, देखो कैसे आएगा। हो गया सर, बस एक हां माइनस हो गया, बहुत अच्छा यार। ठीक है और यहाँ पे क्या आएगा सेवन माइनस एक्स ग्रेटर देन सिक्स। ठीक है और अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई इंटीजर हो इसके साथ तो उसको आप बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये इसको बाहर निकाल दो तो ये आया, ये प्लस वन है इनको बाहर निकाल दो। हाँ बहुत अच्छे। और ये आपका क्या है सेवन माइनस एक्स सिक्स आ गया। ठीक है अब आप ये बताना है ये वन और सेवन एट हो गया तो इधर गया तो माइनस टू आया और ये भी जुड़ के क्या आ गया तो टू, ये आपका आ गया माइनस टू। ठीक है देख लीजिए वन और सेवन एट, सिक्स में से एट गया माइनस टू, ये और ये कट गया माइनस वन आ गया। अब मैंने आपको इसको भी बताया सॉल्व करना, इसको भी फार्मूला लिखा रखा है आपको माइनस वन माइनस ये ना। ठीक है माइनस ये भी गया और इसके वाले क्या है से ओपन है ये बीच में साथ कुछ इंटीग्रल वैल्यूज भी आंसर में आ रही है बच्चा, ये बोल मुझे देखने दो आप। ठीक है अब ये बताओ यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो जीरो अभी ये भी सिखा है इक्वल टू एन, तो क्या होता है एन से एन प्लस वन, ये पहला केस का आंसर आ गया। और आप देखो क्या आपका फाइनल आंसर नहीं, आप अपने केस से मैच करो, आपने केस में आंसर बोला हाँ हाँ केस में आपने बोला कि वन से कम होगा और आपका आंसर भी जीरो से वन के बीच में आ रहा है, मतलब ओके आंसर ओके। ठीक है यहाँ कोई दिक्कत नहीं, तो ये बताइए केस वन में किसी को कहीं कोई डाउट है तो बताओ, केस वन में किसी को कहीं डाउट है तो बताओ। ठीक है आर्यन सर है? यस सर। ठीक है कहीं डाउट हो तो पूछ लो, एक देखो बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, मतलब से दिखता है ना टफ होता ही नहीं है ना, जब पढ़े रहोगे बच्चा क्वेश्चन पे। अरे देखो एक मैं बात बताता हूँ, अगर मैं आपको एक धरे पे क्वेश्चंस कराऊंगा, एक धरे का ये मतलब होता है जैसे सेम तरीके क्वेश्चन 10 बार कराऊंगा 10 क्वेश्चन दे दूंगा तो आप खुश रहोगे, लेकिन जितने अलग तरीके के क्वेश्चन करोगे ना उसी से सीखोगे, हर टाइम अलग अलग नए नए क्वेश्चन ट्राई करोगे तो उसी से सीखोगे भाई। अगर मैं ऐसे दे देता 10 इनइक्वालिटी कराता, एक बार ऐसे ग्रेटर लगाता, एक बार लेस लगाता, एक बार रिक्वेस्ट लगाता, तो क्या सीखते भाई, खुश जरूर रहते उसमें। चलिए केस वन आ गया आपका, अभी केस टू लेंगे वन से सेवन। ठीक है इसको मैं हटा रहा हूँ, केस टू का लिख रहा हूँ, इसे क्वेश्चन जितना अजीब दिखे उतना अच्छा। ठीक है सारे अजीब तरीके क्वेश्चन लगाइए, चलिए केस टू देखते हैं कहाँ से कहाँ तक, वन से सेवन। उस बार पीछे वन को इंक्लूड नहीं किया था ना, इस बार चलो इंक्लूड कर लेते हैं, चाहो तो आप सेवन को भी कर लो इंक्लूड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है वन से सेवन में बच्चा ये पॉजिटिव आएंगे तो निकाल दो भाई इनको पॉजिटिव, अभी भी ये निगेटिव ही आ रहे हैं क्या, ये भी क्या आ रहे हैं पॉजिटिव ही आ रहे हैं ना, ये भी तो पॉजिटिव ही आ रहे हैं। देखो जरा वन से सेवन में ये भी पॉजिटिव आ रहे हैं और टू ले लो ये भी पॉजिटिव ही आ रहे हैं, तो ये भी ऐसे ही निकल जाएंगे, ये भी ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है और माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, फिर अभी हम लोग वो पढ़े हुए हैं अभी प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या आएगा दिस माइनस वन और यहाँ पे क्या आएगा सेवन माइनस एक्स। ठीक है
माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चा लोग देख लो, सारे लोग देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब देखिए ये और ये, देखिए ये देखो जरा, माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सेवन ये कट गया, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है जोड़ने पे जीरो आ रहा है। यहां तक बताओ कोई डाउट है किसी को, बताओ बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब आप एक काम करो, देखो ये देखो ना, कोई दो इंटीजर को जो देखो, एक इंटीजर पकड़ा है उसका नेगेटिव वाला इंटीजर पकड़ा है, देखो ये इंटीजर पकड़ है, दो रिजल्ट तो इंटीजर ही है ना, ये जीरो आ रहा है तो कब जीरो आ गया देखो, इसके इसके बीच में सारे इंटीग्रल वैल्यू इसमें पुट करो, सारे इंटीजर वैल्यू पुट करो, देखो ये तभी जीरो आता है बच्चा जब यहाँ पे इंटीजर होता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू इंटीजर होगा, आप पुट करके देखो जरा, यहाँ एक्स की जगह वन पुट करो, टू पुट करो, थ्री पुट करो, फोर पुट करो, आप पुट करके एक बार देखो सर, एक बार आप पुट करके देखो सर। हेलो, हाँ बताइए। हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स को माइनस वन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स लिखें तो माइनस वन हो जाएगा। हाँ देखो आपने जो बताया, लेकिन उस केस में क्या होता है देख लो, मैं समझ आऊंगा आप लोग ये किए होगे और सारे लोग इसलिए आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा बताओ, माइनस वन आ रहा है और यहाँ क्या है आपका, ये आने लग रहा है ना, ये आप बोल रहे हो ना कि सर ऐसे करने पे क्यों नहीं आ रहा है, क्यों सर यही आ रहा है सर। हाँ सर यही है। हाँ सर अच्छा, सबका यही आया है सर, मतलब किए तो यही ये तो, हाँ सबका ये है, जैसे आपने अभी पढ़ा कि सर ये वाला प्रॉपर्टी तो ऐसे लगाया जाए तो आना तो चाहिए, जैसे इससे ये कट गया और माइनस वन जीरो, तो बच्चा बताओ कहाँ गलती है, बताइए कहाँ गलती है, आप बताओ जरा सोच के बताओ। हाँ सोच के बताओ, फिर से सोचो, देखो अभी बहुत छोटी सी बात है जहाँ गलती हो रही है, इंटीजर के केस में ऐसे नहीं करते सर। हाँ हाँ देखो देखो ये बस एक लोग सही, देखो आप ये बता रहे ये कब होगा, कब होगा ये बताओ, चलो अच्छा ये बताओ, ठीक है सर यहाँ पे तो हो रहा है, यहाँ पे भी तो हो ही रहा है, यहाँ पे भी तो नहीं, यहाँ पे जरा बताओ हो रहा है क्या, यहाँ बताओ जरा, यहाँ पे अप्लाई करो जरा, ये फॉर्मूला लगाओ जरा, यहाँ पे नहीं लगेगा, नहीं जब आपने सही किया है, आपने सही किया है और आपका देखो आपने ये बोला कि सर ये और ये कट गया और ये और ये कट गया और माइनस वन जीरो के बराबर नहीं होता है तो यहाँ से आंसर नहीं आना चाहिए, लेकिन आप ये सब फार्मूला लगा रहे हो ना जब आप एक्स को इंटीजर नहीं मान रहे हो, इसके बीच में कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लो और ये माइनस वन बराबर जीरो ही आएगा, मतलब आप ये मान रहे हो ना कि जैसे बताए ये फार्मूला तभी वैलिड है, ये फार्मूला तभी वैलिड है जब एक्स इंटीजर ना हो, लेकिन जब आप वन से सेवन में इंटीजर पुट करो सारे, बताइए मैं सुना, बताइए समझ गया सर, समझ गया ना गलती, ठीक है। हाँ सर, तो अब देखो बच्चा अभी ये बताओ अतुल, समझ में आ रहा है कि नहीं कहाँ गलती है? यस सर समझ गया, ठीक है। हाँ अब आप मुझे बताओ, यहाँ ध्यान दो, वन से सेवन के बीच में जरा, चलो यहाँ पे सेवन को मैं ले ले रहा हूँ, सारे इंटीजर पुट करके देखो जरा, मैं आपको बोला वन पुट करो, टू पुट करो, थ्री पुट करो, फोर पुट करो, फाइव पुट करो और सिक्स पुट करो, देखो सही आ रहा है कि नहीं, पुट करो जरा। हाँ सर इंटीजर के केस आ रहा है ना, तो ये मैं आपसे बोला था आप लोग का कुछ इंटीजर वैल्यू मिस हो रहा है, ठीक है, तो ये याद रखना बच्चा, ये याद रखना, ये सब वैलिड है बच्चा जब यहाँ पे क्या हो इंटीजर ना हो, इंटीजर ना हो तो वैलिड है, अब यहाँ पे भी आप लगाने लगोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अभी बताओ कोई डाउट है, देख लो जरा सारे लोग देख लो, ठीक है, तो वन से सेवन में ये सारे आंसर आ गए, अब इसी तरीके से ग्रेटर देन सेवन वाला कर लोगे क्या बताओ, चलो वो भी कर ही देता हूँ, वो भी कर ही देता हूँ, यहाँ तक बताओ बच्चा दोनों केस में कहीं कोई डाउट है, जैसे बच्चा ये फार्मूला ओनली वैलिड व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जेड, एक्स क्या हो जेड के बराबर ना हो, कोई इंटीजर ना, तभी आप ये फार्मूला लगाइएगा, लेकिन इंटीजर होगा तो आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो इस केस का सर आंसर क्या होगा बच्चा बताए, तो इस केस का देखो ये सारा आंसर होगा वन भी होगा, देखो वन पुट करो, वन जरा वन पुट करके देखो जरा, इंटीजर पुट करके आप देखो ना, यस सर वो तो हो गया, जीरो आ रहा है कि नहीं आप बताओ जरा, अब तो जीरो आ रहा है कि नहीं वन पुट करने पे आ रहा है सर, टू पुट करने पे आ रहा है,
3 पुट करने पे 5 पुट करने पे 6 पुट करने पे इवन 7 पुट करने पे भी अगर 7 इंक्लूड कर लूं मैं तो 7 पुट करने पे भी आएगा, ठीक है। तो 1 से लेके 7 तक यहां भी आंसर आ गया, यहां भी आंसर आपका आ गया। अब केस 3 आप बना लो, केस 3 ले लो, ठीक है, लिख लो, लिख ही लो पहले से, लिख लो, ठीक है। आज मैं इसका बेसिक प्रॉब्लम भेज दूंगा बच्चा, ठीक है, एक दिन कर लो, बेसिक क्वेश्चन खुद कर लो, फार्मूला रट जाए, और कोई वो नहीं है, फार्मूला रट जाए तो अच्छा क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन अभी और करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी भी आपसे बोलता हूँ बच्चा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, उतना जल्दी सीखोगे। अब देखो यही क्वेश्चन वो दे सकते थे, कैसे दे सकते थे, बोल सकते कि इसकी इंटीग्रल वैल्यू 1 से 7 में इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, 1 से 7 में इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो आपको लिखना रहेगा और क्या, 7 सॉल्यूशन आ गए, हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव ज्यादा करने पड़ेंगे, मेंस तक में ठीक है ऑब्जेक्टिव कर लिए या किसी बुक के ऑब्जेक्टिव से उठा के कर लिए तो सफिशियंट है, लेकिन एडवांस में बच्चा करना पड़ेगा आपको। हम लोग के जो केमिस्ट्री के टीचर थे वो केवल एडवांस के लिए जो प्रीवियस ईयर के सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराते थे, बहुत सब्जेक्ट मतलब सबसे ज्यादा उन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे केमिस्ट्री के लिए, जहां यहां से होता। चलो भाई तीसरा किस करते हैं, जरा बताइए तीसरा किसका होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, यस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 7, यहाँ पिछली बार इक्वल टू ले लिया था मैंने तो यहाँ नहीं लेते हैं, तो जरा बताइए क्या आएगा, पहला तो पॉजिटिव आएगा ही, पहला तो शायद पॉजिटिव ही आ रहा है, दूसरा इस बार निगेटिव आ रहा है क्या, जरा बताइएगा, 7 नहीं आ मतलब, हाँ सर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स माइनस है ना, मतलब हाँ एक्स माइनस 7 आ रहा है, ठीक है एक्स माइनस 7, ठीक है सही है एक्स माइनस 7 आ रहा है, ठीक है। और ग्रेटर देन 6 अभी इसे कर लोगे ना आप बताओ, कर लोगे 7 टू 8 होगा, क्लोज 7 से ओपन 7 टू 8 है सर, ठीक है कर लोगे ना इसे आप, एक्स ये 1 निकालना है ये 7 निकालना, कर लोगे ठीक है कर लो। चलो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, और अगर कोई कर दिया तो जब भी खुलेगा ये या तो चॉकलेट या तो जो भी आप बोलो खिलाऊंगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हम लोग दोबारा सामने से मिलेंगे तब, ठीक है। क्वेश्चन जरा क्या है देखो, जहाँ क्वेश्चन क्या था, ऐसे था ठीक है, यही क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं जब एक्स 0 से 3 जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यही था, एक बार मुझे और चेक कर लेते, वैसे है यही, ठीक है, तो इन जरा निकाल के देखो, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, कहीं का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है बच्चा, टाइम ले लो कोई दिक्कत नहीं, टाइम ले लो, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है तो टाइम ले लो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बच्चा लोग, कहीं का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने देखा था, इसमें क्या फाइंड करना सर, वाई 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 की वैल्यू, वाई की वैल्यू, वाई की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है जब एक्स 0 से 3 है, वाई की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, रुकिए मैं आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन के वर्डिंग ही बता दूंगा, कहीं तो बच्चा था सर, देखिए हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, यही है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, ठीक है, फाइंड द नंबर, तो वाई की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, आंसर भी कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा, तो आंसर तो हाँ आंसर करो जरा एक बार करो, देखो आंसर भी बताता हूँ मैं करके देखो,
करो करो, क्वेश्चन बहुत अच्छा, ठीक है करो। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज। देखो अच्छा, आप इतना तो कंफर्म है ना कि वाई इंटीजर ही आएगा, तो क्या क्या इंटीजर आ सकता है, कितना मतलब नंबर ऑफ इंटीजर पता करना है। एग्जैक्टली इंटीजर नहीं पता करना है, कितने वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, सॉल्व होकर कितनी वाई की वैल्यूज मिलेंगी, कितनी अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, यही क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे। फाइंड वाई को रेंज भी बोला जाता है, इसीलिए इन्होंने क्वेश्चन में रेंज लिखा है। फाइंड द नंबर ऑफ सर तीन वैल्यू मिलेगी रेंज। नहीं बच्चा, चलिए अच्छा ट्राई और कीजिए। क्वेश्चन बच्चा बोला ना सब्जेक्टिव, थोड़ा टाइम लेके ले करो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात, आप सारे लोग बच्चे अच्छे हो तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करा पाता हूँ, ठीक है, वरना बच्चे डरने लगते हैं थोड़ा। बताइए, x को 0, 1, 2 कर लेते हैं, उसके बाद सर बताएं कैसे किए हैं। 0, 1, 2 नहीं नहीं 0, 1, 2 ऐसे कर लेते हैं और 2x को फिर 0, 2, 4 हो जाएगा, 3x, उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर ब्रेक कर लेते हैं वहाँ पे। देखिए ये तरीका मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन आप आंसर तो पहले पहुंच गए, ठीक है, तरीका गलत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, देखना मतलब लिख के करोगे तभी आंसर दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। हाँ सर, बीच में बहुत केस, मतलब केस थोड़ा ज्यादा है। हाँ सर, हाँ केस ज्यादा है, केस ज्यादा है, केस ज्यादा है, सही बात है, आई एग्री, ठीक है, केस तो ज्यादा है। क्वेश्चन उतना ही अच्छा, छह केस हो गया सर, उसके बाद क्या करेंगे? छह केस नहीं बनेगा बच्चा, ये सभी बहुत बनेगा इसमें, ठीक है। मतलब सर छह का निकल, छह का केस निकाल दिए हैं, छह का छह पार्ट इसमें सर, छह पार्ट का केस निकाल दिए हैं, तो टोटल सर 15 से 30 केस बनेंगे इसके। हाँ सर, हाँ सर, 18 केस सर बने हैं अभी। 18 केस, देखिए 18 केस इन्होंने गिना है, केसेस ज्यादा है बच्चा, अभी मैं बोल रहा हूँ। हिंट यही है, हिंट यही है, क्यों क्यों 48 ज्यादा है बच्चे, लेकिन बताओ भाई आयरन कितने केसेस आपको मिले सर? केस तो ज्यादा बन रहा है, केस तो ज्यादा बन रहा है, सही बात है, ठीक है। मैंने आपको क्या एक हिंट दिया था कि जब भी आप सबका कॉम्बिनेशन बनाना तो 729 आ रहा है, 729 आ रहा है। अरे चलिए देखिए, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैंने आपको एक पिछली क्लास में एक बात बोला था कि एफएक्स है ये अपना नेचर कहाँ चेंज करेगा। जैसे आप क्या करते थे, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, जब मॉड में होता था ना तो आप केस बनाते थे, मॉड का केस कैसे बनाते थे आप लोग बताओ? अगर ये चीज मॉड में होता था तो आप केसेस कैसे बनाते थे, सारे केस कैसे बनाते थे? इसको आप जीरो कर लेते थे और एक्स की जितनी वैल्यूज आती थी सबको नंबर लाइन पे ऐसे ऐसे प्लॉट कर लेते थे और गिनते थे, एक केस, दो केस, तीन केस, चार केस, पांच, ऐसे गिनते थे, ऐसे आप कर लेते थे। अब यही चीज ना बच्चा ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ गया, तो मैंने आपको सिखाया था पिछले ही क्लास में बोला था कि इसमें केस कैसे बनेगा, ये अपना नेचर कहाँ चेंज करता है, ये अपना नेचर वहां एफ एक्स जहां पे क्या होगा इंटीजर होगा, एक्स की वो वैल्यू
जिससे एफ एक्स इंटीजर हो जाए, मैंने बोला एक्स इंटीजर हो जाए ये जरूरी नहीं है, एक्स की वो वैल्यू जिससे क्या हो जाए एफ एक्स इंटीजर बन जाए। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में ये सिखाया भी था कैसे ये करना है, अब वही क्वेश्चन देखिए आज सामने आ गया, ठीक है। तो देखिए एक एक करके मैं सारे केस बना रहा हूँ, सॉल्यूशन देखिए जरा, चलिए लेकिन एफर्ट बहुत अच्छा रहा सबका, ठीक है। आप लोगों ने आंसर मतलब आधा आंसर तक तो पहुंच ही गए, सोच मतलब सही थी, वही सोच होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ बताइए इसको उठाते हैं, ये बताओ ये इंटीजर, तो ये इंटीजर कहाँ बनेगा, ये इंटीजर कहाँ बनेगा, जीरो वन टू, तो ये यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी जीरो वन टू, ठीक। यहाँ से आगे थ्री क्यों नहीं, अरे भाई थ्री तो देखो ना थ्री पे कहाँ है, थ्री इंक्लूडेड है ही नहीं, ठीक है हटा दे उसको। अब हमको इसको इंटीजर बनाना है, मतलब टू एक्स को इंटीजर बनाना है, तो 2x को इंटीजर बना सकते हो, 2x होगा जीरो होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा फाइव होगा सिक्स होगा सेवन होगा एट होगा नाइन होगा टेन होगा, लेकिन हमको क्या करना है x की वैल्यू, जो भी केस बनता है बच्चा x का केस बनता है, तो 2x को हम इंटीजर बना लिए, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी जीरो वन बाई टू वन थ्री बाई टू टू फाइव बाई टू थ्री सेवन बाई टू। अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। अब आप बोले सर क्यों नहीं जा रहे हैं, भाई देखो x कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से थ्री के बीच में ये, तो जीरो से थ्री के बीच में ये, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा दूं क्या बच्चा, बोले थ्री इंक्लूड नहीं करना है ना, बोले थ्री इंक्लूड नहीं करना है, नहीं थ्री इंक्लूड नहीं करना, मैं बोला इसको आप हटा दो, हटा ही दो कहा मैं इंक्लूड ही करूँ बच्चा, ठीक है यहाँ पे हटा दो, ठीक है ये अपना यहाँ यहाँ नेचर चेंज करेगा। अभी बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है पहले बताओ, तो एक ये हो गया, एक ये भी होगा। अब इनको देखते हैं, इनको भी इंटीजर बना लेते, टू बाई थ्री एक्स को भी इंटीजर बना लेते तो क्या होगा, ये जीरो होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा फाइव होगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो जीरो थ्री बाई टू, यहाँ पे क्या आएगा, ये तो थ्री आ गया क्या तुरंत, ये तो तुरंत थ्री आ गया क्यों, जैसे मैं क्या करता हूँ थ्री को प्लॉट कर ले रहा हूँ बस बाउंड्री वैल्यू के लिए, इंक्लूड नहीं करूंगा बच्चा, बस बाउंड्री वैल्यू के लिए प्लॉट करूंगा, जैसे कि मैं प्लॉट ऐसे करूंगा बस इसको हटा दूंगा बस बाउंड्री के लिए, और कुछ नहीं और कोई रीजन, जैसे केस में है, अच्छा जैसे ऐसे देखो एक बात मेरी सुनना, जैसे अगर यहाँ x माइनस फोर आ गया तो फोर को आप प्लॉट कर लो बस उसके अंदर सिंबल चेक करना, इसी तरह मैं थ्री इसको प्लॉट कर रहा हूँ लेकिन बच्चा इसको प्लॉट कर रहा हूँ लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है बाउंड्री वैल्यू के लिए रख रहा हूँ। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है, सारे लोग सोच के बताओ भाई, ठीक है। तो अब देखो अब ऐसे करके ना बच्चा सारे केसेस आपको बनाने पड़ेंगे, तो मैंने एक का बनाया दो का बनाया और भी आगे बनाते जाते हैं, चलो मैं अब डायरेक्ट बनाता हूँ, आप लोग बताना मैं सही हूँ गलत, ठीक है डायरेक्ट बना रहा हूँ। देखो अब यहाँ से एक्स आएगा बच्चा वन बाई थ्री, अरे बाप रे, ठीक है वन बाई थ्री टू बाई थ्री वन, फिर क्या आएगा भाई फोर बाई थ्री, एक दो तीन चार बटे तीन पांच बटे तीन दो सिक्स बाई थ्री, फिर क्या आएगा सेवन बाई थ्री एट बाई थ्री, थ्री आएगा ठीक है, थ्री तक रुक जाना है, थ्री को मैं इंक्लूड नहीं करना, तो ये आया। अच्छा ये बता सब कुछ समझ में आ रहा है ना, मैं कैसे सारी वैल्यूज ले रहा हूँ, क्योंकि बच्चा अगर ये यहाँ आने लगा ना तो अभी देखना इंटीग्रेशन जिस दिन स्टार्ट करूंगा ना तो बहुत मजा आने वाला है जब ये सब चीजें आप जो सीख रहे हो। तो बताओ किसी को कहीं भी कोई डाउट है तो पूछो, मैं फिर से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नहीं सर नहीं दिक्कत है, चलो ठीक है ठीक है। तो हम क्या करते हैं जैसे इनका भी चेक कर लेते, ये कहाँ नेचर चेंज करेंगे, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सबका चेक करना पड़ेगा, सबका चेक करना पड़ेगा, तो सबका चेक करना पड़ेगा, करना ही है। और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है काम की चीजें लिखता हूँ, काउंट करके लिख दीजिए सर, ठीक है इसको मुझे नहीं हटाना चाहिए था, ठीक है इसको हटा दे, ठीक इसको हटा दे, यहाँ वाले में इसको हटा देते हैं, ये है ना, ठीक है चलिए और भी x की वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है और भी x की वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है अभी लेकिन आंसर से दूरी है हम लोग, ठीक है देखिएगा ये पहला एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, ठीक है यहाँ से आया x और इसके बाद क्या था 4x था गया, तो x उससे क्या आएगा 4x वाले से क्या आएगा
जीरो, वन बाई फोर, टू बाई फोर, थ्री बाई फोर, फोर बाई फोर मतलब वन, फाइव बाई फोर, सिक्स बाई फोर, सेवन बाई फोर, एट बाई फोर मतलब टू, नाइन बाई फोर, टेन बाई फोर, इलेवन बाई फोर, ठीक है, ट्वेल्व बाई फोर मतलब थ्री, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या था, फाइव एक्स था, जीरो, वन बाई फाइव, टू बाई फाइव, थ्री बाई फाइव, फोर बाई फाइव, वन, ठीक है, और फिर क्या आएगा आपका, फोर बाई फाइव हो गया, फाइव बाई फाइव, सिक्स बाई फाइव, सेवन बाई फाइव, एट बाई फाइव, नाइन बाई फाइव, टू, इलेवन बाई फाइव, ट्वेल्व बाई फाइव, थर्टीन बाई फाइव, फोर्टीन बाई फाइव, फिफ्टीन बाई फाइव, थ्री, ठीक है। तो अब देखो इतने सारे वैल्यूज से अपना नेचर चेंज करा, अब आप लोग बताओ इनमें कहीं भी किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कहीं पे किस, हाँ बताइए सर, x की वैल्यू दी हुई है जीरो से थ्री के बीच में, हाँ, तो डायरेक्टली हम लोग जो बाकी के दिए हुए टू टू एक्स थ्री एक्स मतलब उसकी वैल्यू निकाल करके उस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं। अच्छा आप क्या बोल रहे, जैसे एक बार और बता दो, एक बार और बता दो क्या बोलना चाह रहे हो सर, जैसे x जीरो और थ्री से के बीच में दिया हुआ है, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देते हैं, अच्छा ठीक है, हाँ, और उसके बाद 2x के अपने आप इंटीजर वाली वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी इंटीजर वैल्यू लेना पड़ेगा। अब अच्छा आप ये बताओ, ठीक है आप सही हो, आप गलत नहीं हो, तो ये बताओ बच्चा कैसे पता चलेगा कि आपका, जैसे अगर इन्होंने आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ लगेगा, जैसे इसका इसमें मान लो जैसे वन आएगा और किसी में थ्री आ रहा है तो कैसे पता, जैसे इसमें दो तीन एलिमेंट आएगा ना, सुनना जरा, इसमें तो मान लो दो एलिमेंट आ गया, कोई दो एलिमेंट आ गया और किसी में कोई तीन एलिमेंट आ गया, तो कैसे पता चल जाएगा कि इस x के लिए यहाँ टू आएगा वहाँ थ्री आएगा, बताओ भैया मेरी बात समझ जाओ क्या मैं बोल रहा हूँ, yes, sir. समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, yes, sir. जैसे कि yes. हाँ जैसे यहाँ से बच्चा आपने बोला कि सर यहाँ से इसकी वैल्यू होगी जीरो वन टू, ठीक है, और कोई आएगा ऐसा और भी कोई आएगा जिसकी वैल्यू होगी टू थ्री मान लो फोर है, कैसे आपको पता चलेगा कि किस x के लिए यहाँ पे जीरो मिला है यहाँ पे थ्री मिल रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, yes, हाँ। और एक और चीज इससे क्या होगा आपका, जैसे कहीं सब में कहीं जीरो आ जाएगा, सब में कहीं जीरो आ जाएगा तो सारा जीरो जुड़ के एक ही एलिमेंट कहलाएगा, समझ में आ रहा है मेरी बात, yes, कहीं एक कहीं तीन जगह वन आ जाएगा तो वो एक जगह तीन आएगा, तो वन वन जुड़ के तीन आ गया, आप उसको तीन एलिमेंट गिनोगे लेकिन जुड़ के वो तीन ही आएगा, समझ आ रहा है, एक ही केस के लिए, एक ही एक्स के लिए, ठीक है, तो इससे थोड़ी गड़बड़ी ऐसे जो वैल्यूज में उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। चलिए इतने सारे केसेस बने, अब आप बोलोगे सर अब करना कैसे है, तो जरा कोई मुझे बता करना कैसे चाहिए, सोचिए जरा सोच के बताइए, कुछ नया नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कुछ नया नहीं है, बताइए अब इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए, अच्छा ये बताओ ये सारे वैल्यूज है जहां नेचर चेंज हो रहा है, तो जरा ये बताओ मर्ड वाले में क्या करते थे, मर्ड वाले में क्या करते थे, मर्ड वाले में क्या करते थे, जहां नेचर चेंज करता था तो क्या करते थे बताओ, नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे, नंबर लाइन पे ही तो प्लॉट करते थे, तो इन सारी वैल्यूज को उठा के नंबर लाइन पे प्लॉट करो और क्या, ठीक है, तो देखो जरा इतना अब, लेकिन इसका नंबर लाइन ना रेस्ट्रिक्टेड है, तो ने रेस्ट्रिक्ट है, इसका नंबर लाइन जीरो से थ्री के बीच में है, अभी अब समझ गया मैंने क्यों गोंडी वाले प्लॉट करा था, बस ऐसे ही कि थोड़ा क्लेरिफिकेशन के लिए और कुछ नहीं, अब इसके बीच में सारे पॉइंट्स आप प्लॉट कर लो, सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लो, इसके सबसे नजदीकी कौन सा पॉइंट आएगा आप सोच के बताओ, इससे सबसे नजदीकी कौन सा पॉइंट आएगा, वन बाय फाइव बताओ, वन बाय फाइव बहुत अच्छे, ठीक है वन बाय फाइव, फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ ऐसे करते करते, अब देखो ये आप ये मेहनत मैं आप पे छोड़ा हूँ, तो जितने केसेस बनेंगे उतना ही क्या मिलेगा आपको आंसर मिलेगा, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, सारे लोग बताओ, अब आपको छोटे से बड़ा करके सारी वैल्यूज प्लॉट करना पड़ेगा, छोटे से बड़ा लेके सारी वैल्यूज प्लॉट करना पड़ेगा, और जितने केसेस बनेंगे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे जीरो से थ्री में आपके ऐसे दो वैल्यू मिले, मान लीजिए ऐसे एक वैल्यू यहाँ मिली, एक वैल्यू यहाँ मिली और एक वैल्यू यहाँ मिली, तो कितना आंसर आएगा आप बताओ, कितने इसके कितने आंसर्स मिलेंगे, केस वन का आंसर, केस टू का आंसर, केस थ्री का आंसर, तो चार आंसर आएगा,
तो ये सारे वैल्यूज आपको प्लॉट करना पड़ेगा, जितने केस मिलेंगे वही आंसर आ जाएगा, आपको केस की वैल्यू निकालनी है, जितने केस मिलेंगे वही इसका आंसर होगा। टोटल 47 केस, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? हाँ सारे सारा। तो अब आप थोड़ा अगर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग रहेगी तो आप चेक कर सकते हो बच्चा प्लॉट करके, ठीक है। क्वेश्चन का सोल्यूशन बच्चा ऐसे ही है, यही एक तरीका है। अभी बताओ आपको कोई डाउट है? क्वेश्चन सब्जेक्टिव था तो बड़ा है, मैं एग्री करता हूँ कि क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। बताओ भाई, सारे लोग बताओ। ठीक है, नहीं सर। तो एक क्वेश्चन दो, इस तरीके का होमवर्क करके लाओगे? यस सर, यस सर। एक देता हूँ जरा करके लाना घर से। और देखो अभी मैं आज इसका बेसिक वाला भेज दूंगा आपको, बेसिक लेवल का, फिर कल इसके और क्वेश्चन करेंगे, और कल ही देखते कल, मतलब जो भी अगली क्लास आपकी होगी, जो शेड्यूल वाली क्लास है वहीं पे, उसी पे क्लास पड़ेगी। उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, या फिर चलो फ्रैक्शनल पार्ट कर लेते हैं, फिर लॉगरिथमिक कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिखा था बच्चा, अच्छे से याद रखी गई सब सारी चीजें, ठीक है। जो इंटीग्रेशन पढ़े होंगे उनको पता होगा इसका कितना यूज है इंटीग्रेशन में। ठीक है, चलो भाई। तो ये क्वेश्चन मैं देता हूँ आपका, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा लॉजिक अलग है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लॉजिक अलग होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, ये होमवर्क है, तो इसे आप लोग करके लाइएगा अगली क्लास में, कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ठीक है। अभी बताओ बच्चे, आज की क्लास में कोई डाउट है आप लोग को? बताओ। नो सर, नो सर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज अभी थोड़ी देर बाद, एक डेढ़ घंटे बाद मैं आपको भेज दूंगा डीपीपी, तो ठीक है बच्चा, इसका आंसर बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर मत जानो। नहीं सर, कल वही लाने की कोशिश करो, वही लाने की कोशिश करो, क्योंकि आंसर छोटा है, आंसर बता देंगे ना, कोशिश पूरा कोशिश करने लगो कि वही आने लगे, ठीक है। तो आंसर कल ही कोशिश, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये, नहीं नहीं ये सब आपको प्रीवियस ईयर अगर नहीं मिलेगा, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़े ऊपर है, थोड़े ऊपर है बच्चा, हाँ नहीं, एक डेढ़ घंटे बाद मैं आपको डीपीपी भेज दूंगा, इससे रिलेटेड बेसिक डीपीपी भेजूंगा आज, इससे रिलेटेड, ठीक है। हाँ ये बच्चा प्रीवियस ईयर में नहीं, ये सब कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, ये बुक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और आएंगे भी ना बच्चा, तो मतलब उस क्वेश्चन का पार्ट आएगा, जैसे अभी मैंने बड़ा सा करा है ना, तो रेंज 0 से 3 ना देखे, 0 से 1/2 और छोटा दे सकता है, 1/2 कर सकता है, कि आप पॉसिबल आंसर्स गिन लो, ठीक है, पॉसिबल आंसर्स गिन लो, ठीक है। चलिए तो ठीक है, थैंक यू आज के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।